तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन के लिए हमें कितना नंबर लाना पड़ता है पार्ट वन में और पार्ट टू और पार्ट थर्ड मिला के। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को बताने जा रहे हैं कि पार्ट वन में पास करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा और साथ ही आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। इसी प्रकार पार्ट टू में भी बताएंगे कि आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना नंबर लाना होगा और पास होने के लिए कितना, इसके बाद पार्ट थर्ड में। तो आइए बने रहिए इस चैनल पे और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। दोस्तों ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर मैं आपको बता दूँ, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और फर्स्ट ईयर में 2 पेपर लिया जाता है, पेपर नंबर 1 और 2। उसी प्रकार सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 3 और 4 लिया जाता है। इसी प्रकार जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपको 4 पेपर हो जाता है, जैसे कि पेपर नंबर 5, 6, 7 और 8। यानी कुल मिला के 4 पेपर आपको पार्ट थर्ड में ऑनर्स पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ओनली ऑनर्स पेपर की बात करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑनर्स पेपर का ही नंबर जुड़ता है। और आपको फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए कितना नंबर लाना होगा ये भी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप पार्ट वन में होंगे यानी फर्स्ट ईयर में, तो आपको पेपर नंबर 1 और 2 जो 2 ऑनर्स पेपर होते हैं उसमें टोटल नंबर आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर नंबर 1 में 100 और साथ ही पेपर नंबर 2 में 100, कुल मिला के आपको 200 नंबर पूछा जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए 120 नंबर लाना ज़रूरी है। वहीं पर मैं आपको बता दूँ तो पास करने के लिए आपको 90 नंबर लाना ज़रूरी है। यानी दोनों पेपर मिला के आपको 120 आ जाता है तो आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाते हैं। अगर आपका सेकेंड डिवीजन होने के लिए कम से कम आपको पेपर नंबर 1 और 2 मिला के कुल 90 नंबर आना चाहिए, तब आप पास होंगे, यानी कुल मिला के आप पास हो जाएंगे। अगर किसी कारण से 90 नंबर से कम आ जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको फिर से बैक सेशन वाले छात्रों के साथ, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद पिछले वाले सत्र वाले छात्रों के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीज़न होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ओनली फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न, यही आपका सेकेंड डिवीज़न ही पास डिवीज़न है, आप लोग समझ जाइएगा। इसके साथ ही जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो आपको फिर 2 पेपर लिया जाता है ऑनर्स पेपर, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। दोनों में आपको 120 नंबर लाना ज़रूरी रहता है फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए, दोनों पेपर मिला के। इसी प्रकार सेकेंड डिवीज़न करने के लिए कम से कम आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 मिला के। इसी प्रकार जब आप थर्ड ईयर में चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे पेपर नंबर 5, 6, 7 और 8, यानी 400 का ऑनर्स हो जाता है आपको। तो 400 का जो ऑनर्स होता है उसमें से कम आपको पास होने के लिए टोटल में से, यानी 400 के ऑनर्स होता है उसमें से कम आप अगर 240 नंबर ले आते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे। उसी प्रकार आपको 180 नंबर आ जाता है चारों ऑनर्स पेपर में मिला के, तो आपको यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न से पास कर दिया जाता है 180 नंबर आने पे। तो वही रहा कि आप लोग का जो टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी 200 का आपका फर्स्ट ईयर में ऑनर्स लिया गया, 200 का सेकेंड ईयर में, उसी प्रकार थर्ड ईयर में गए तो आपका यहाँ पे 400 का ऑनर्स हुआ। टोटल जो ऑनर्स का मार्किंग होता है वो 800 का होता है, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए आपको कम से कम 480 नंबर लाना होता है। वहीं पर बात करें सेकेंड डिवीज़न या पास करने के लिए आपको 360 नंबर लाना पड़ता है। जब तक आप लोग 360 नंबर नहीं लाते हैं तब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाइएगा, यानी आप ग्रेजुएशन में पास नहीं होंगे। तो कम से कम आपको पास करने के लिए 360 नंबर आपको लाना पड़ेगा, यानी 360 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और अगर किसी कारण से अगर आप पेपर 1 में हो या 2 या 3 या 4 या 5, 6, 7, 8, जिसमें भी अगर आप प्रमोटेड हो जाते हैं एक पेपर में, तो अपने पिछले वाले सेशन के साथ आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और प्रोसेस वही है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना और पिछले वाले सेशन वाले छात्रों के साथ एग्ज़ाम देना, फिर से वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि ग्रेजुएशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ओनली 5 साल के लिए ही वैलिड होता है, तो 5 साल के अंदर आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।